بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على آداء مجمعين إلى قيام يوم الدين وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أقابكم ومن ينقلب على أقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وقال الله تعالى وهو اصدق القائلين يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر وكفروا بعد اسلامهم وهموا بما لم ينالوا صدق الله العلي العظيم موضوع گفتگو جیسا کہ اپ کے رسول الله صلى الله عليه وسلم اور اس وقت ہماری گفتگو کا के वाक़ से रिलेटेड या बलफाज दीगर असाब अकबा से रिलेटेड। अब ये वाक़ा क्या है तो बड़ी तेज़ी से इसका जिक्र करें अगर कोई आज सुन रहा है तो उसको क्लियर हो जाए जब रसूल अल्लाह सल वसलम तबूक से वापस आ रहे थे तो आपने निदा दी कब के जब दो रास्ते मौजूद थे एक रास्ता बहुत ही ख़तरनाक था और एक रास्ता सादा और आम सा रास्ता था तीस हज़ार की फौज थी आपने हुक्म दिया कि सिर्फ़ मैं और अमार और हुैफ़ा यानी रसूल सल्लव वसलम जनाब अमार व जनाब हुजैफा ख़तरनाक रास्ते से घाटी वाले रास्ते से गए और बाकी जो तीस हज़ार की तकरीबन फौज थी वो आम और सादे रास्ते से गए अब ऐसा आपने क्यों फरमाया तो वाजह सी बात है कि ये एक इम्तहान था ताकि पता चले कि कौन लोग कबूल करते हैं कौन लोग नहीं करते इसी तरह से जब एक जगह पहुँचे और जहाँ पर पानी की कमी थी और एक पहाड़ से थोड़ा थोड़ा पानी की से गिरता था और वो दो तीन आदमियों के लिए काफ़ी था वहाँ जा के आपने गो के बाद में मुआवजा दिखाया और सबको पानी पिलाया लेकिन आपने फ़रमाया था कोई मुझसे पहले वहाँ पर ना पहुँचे और वहाँ पर भी कुछ लोग पहुँच चुके थे तो जब आप घाटी से गुजरे तो वहाँ से आपको कत्ल करने की कोशिश की गई और ये अफराद या बारह थे या तेरह या चौदह या पंद्रह इनको पहचान लिया था जन इनकी सवारियों को पहचान लिया था जनाब अमार ने और जनाब हुज़ैफ़ा यमान ने रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम भी बिलाशक पहचान चुके थे और ये वो अफराद थे कि जो रसूल अलैहि वसल्लम को शहीद करना चाहते थे इसी तरीके से वो लोग कि जब आपने मनादी फरमाई थी कोई मुझसे पहले वहाँ पर ना पहुँचे और पानी ना पिए तो कुछ लोग वहाँ पर पहुँचे और वो पानी पी गए थे तो आपने उन सब पर लानत फरमाई थी इनका इलम बहुत सारे असहाब को था और खून जनाब अम्मार और जनाब हुफ़ा को था अब आम तौर पर ये तसवुर किया जाता है कि इसका इल्म किसी को भी नहीं है तो ये दुरुस्त नहीं है और असाब को भी इल्म था और इस मौजू को हम लेके चल रहे हैं और इस वक्त हमारा असल मौजू यह है कि हज़रत अम्मार ने और खूस हज़रत हुज़ैफ़ा यमान ने इस मौजू को डिस्कस इस वजह से नहीं किया क्योंकि उनकी जान को ख़तरा था अब यहाँ पर थोड़ा सा हम डिस्कशन करें हज़रतः अलीयमान के बारे में इनके वालद माजिद भी अहद में शहीद हुए और इसी तरह से ये बाद रसूल सल व मौला अबरमी वसलम के अाब खास में से थे और जनाब हज़रत फ़ातिमा सलामाम की नमाज़ जनाजा में शिरकत करने वालों में से एक थे अब वो तकरीबा सात आठ अफरा थे उनमें से एक थे जनाब हज़रतज़ैफ़ इबन यमान बाद रसूल अल्लाह सल वसलम ये हमेशा मौल मिरौमिन के साथ रहे था इन्होंने अपने दो फ़र्जंदों को अपने तमाम बच्चों को वसीहत नसीहत की थी कि मौला मिरौमी का साथ दें उनमें से दो या एक जंग सफ़ी में मौला मिरमी के फ़ौज में रहते हुए शहीद हुए उनमें से एक का नाम था जनाब साद और एक का नाम था जनाब सफ़ान और बाद जगह यह है कि जनाब सफ़ान जंग सफ़ी में शहीद हुए और जनाब साद क़याम तवाबीन में यानी शहादत इमाम के बाद जो क्यामीन था उसमें शहीद हुए तो जनाब हुजैफा यमान मौला मौलान के साथ रहे जंग सफीन, जमल और में उन्होंने शिरकत नहीं की क्योंकि वो तीसरे खलीफ़ा की शहादत या कत्ल के तकरीब चालीसवें दिन दुनिया से रुखत हो चुके थे अब उनकी वफात के बारे में भी डिस्कशन है जो इस वक्त हम नहीं कर रहे कि वो चालीसवें दिन यानी अट्ठाईस मुहर्रम को दुनिया से रुखसत हो गए थे अलबत् खुद जनाब हुजैफा यमान से एक और वाकया मंसूब है और वो वाक़ ये कि नाइनटीन थर्टी वन में कि जिस वक्त मरज थी दुनिया इस्लाम में हज़रत आयतल आज़मा सैद अबूसन हसन इस्फहानी की तो उस वक्त जो उनके हरम के इंचार्ज थे और इसी तरह से हज़रत सलमान फ़ारसी के जो हरम के इंचार्ज थे उनका नाम था हादी अल जबूरी और वो फरमाते हैं कि पहले जो ये कब्र मतह थी हुजैफा की ये दजला के पास थी और इन्हीं के साथ साथ थे जनाब हज़रत अब्दुल्ल अबन जाविर अबन अब्दुल्ल अंसारी और जब उनकी खबर के पास पानी आ गया तो हज़रत आयतुल्लम सैद अबूसन इसफहानी ने हुक्म दिया कि इनकी कब्र को मुंतकिल कर दिया जाए दूसरी जगह लिहाजा दूसरी जगह जो मंतख की गई वो थी जनाब हज़रत सलमान फ़ारसी के पास और उनकी जब क़ब्र को खोदा गया मुंतकिल करने के दरमियान तो उनका दोनों के जनाजे बिल्कुल सही और वसालम थे आज भी आपको उनके तशीय जनाजे में शिरकत करने वालों की तस्वीर मिल जाएंगी लेकिन जो आपकी असल खसूसियत थी वो थी मौला अमीरम्न अलतम से वाल हाना मोहब्बत और यही आपने अपने बच्चों को दर्ज दिया और इसी तरह से तारीख में बयान हुआ कि हज़रत जरे ग़फ़ारी के जिन्हें जनाब उस्मान ने जिला वतन कर दिया था उनकी वफात तो एक बयाबान में हुई लेकिन उनकी नमाज जनाजा में आपने शिरकत फरमाई अब जनाब हुजैफा यमान के बारे में जहन में रहे कि वो राजदार रसूल अलैहि वसल्लम थे लेकिन उनके अलावा भी असाब थे कि जो जानते थे अब तेज़ी से आपके सामने बाज़ मौजूद को डिस्कस करते हैं कि जो पहले भी कर चुके हैं क्योंकि इस वक्त हमारा मौजू यह है कि हज़रत हुज़ैफ़ा यमान को जान का ख़तरा था लिहाजा वो बहुत सारे मौजुआत को डिस्कस नहीं करते थे और ये भी जहन में रहे कि वो मौला अमीरमी की खिलाफत के तकरीब चालीस दिन के बाद या उनतास दिन के बाद दुनिया से रुखसत हो गए थे और उससे पहले ही वो शदीद बीमार थे और वो बीमारी चलती रही यहाँ तक कि वो दुनिया से रुखसत हो गए अब आपके सामने एक हवाला है तारीख़ इबन कसीर के जो तर्जुमा है अलिदाया व नहाया का जल नंबर पाँच और सफ़ा नंबर है थर्टी सेवन और आपके सामने है पानी का मुआजा ये वही मौजू है कि रसूल सल वसम जब वापस आ रहे थे तदूक तबूक से तो उस वक्त कत्ल की कोशिश की गई और उसी सफर का ये एक वाकया है कि आपने मनादी फरमाई कि कोई पानी पीने नहा जाए लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग पहले से पहुँच गए और सब पानी पी गए रावी बयान करता है कि मुनाफिकीन का एक ग्रोह इसकी तरफ़ सबकत कर गया और जो कुछ इसमें था पी गया बस जब रसूल करीम सल वसलम इसके पास आए तो आप वहाँ खड़े हो गए और आपने इसमें कोई चीज़ ना पाई आपने फ़रमाया हमसे पहले इस पानी की तरफ़ कौन आया था आप से अर्ज़ किया गया कि फ़लान फ़लान आदमी आए हैं आपने फ़रमाया क्या मैंने इन्हें आगाह नहीं किया था कि वो मेरे वहाँ आने तक इससे पानी ना पिए फिर आपने इन पर लानत की और इन्हें बद्दुआ दी अब ये जहन में रखें कि फ़ौज को भी मालूम था कि कौन लोग वहाँ आए और हुक्म हुकमदूली की और पानी पी लिया ये बिल्कुल वही इम्तहान था कि जो सबका अम्बिया भी इम्तहान लेते थे अपनी उम्मतों से तो ये भी एक इम्तहान था सिर्फ ये मालूम करने के लिए और अपनी उम्मत को बताने के लिए कि ऐसे अफराद के जो रसूल की इतात न करते हों उनसे दीन ना लिया जाए तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये फ़लाँ फ़लह जो लोग थे इन्हें कोई नहीं जानता तो जवाब ये है कि इन्हें फ़ौज जानती थी और ये वो मुनाफ़ नहीं थे कि जो मशहूर थे लिहाजा अगर ये वो मुनाफिक जो मशहूर मुनाफिक इब्न सलूल वग़ैरह होते तो उनके नामों को छुपाने की ज़रूरत ना होती और ना ही उनके नामों को खोलने के खौफ का एहसास जनाब होज़ैफ़ा यमान फरमाते क्योंकि उन्होंने फरमाया कि अगर मैं इनका नाम लूं तो मुझे कत्ल कर दिया जाएगा दूसरा हवाला है आपके सामने तफसीर दरुल मंसूर का और सूर तौबा के जमन में सफा नंबर 448 और 449 में और 449 में आपके सामने हाईलाइट किया हुआ है फ़ाउन नबी हल मन हलआरफ तैयहफा के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया जनाब हुफा से हर अरफ़ त्या याज़ैफ़ा या आया तुमने पहचान लिया मनह उल रहात के ये कौन लोग थे किन की सवारियाँ थीं और अहद मिन हम वज़ैफ़ा अरफ़त राहलत फ़लान व फ़लान कि मैंने पहचान लिया फ़लान और फ़लान की सवारीों को अब यहाँ पर हज़रतफ़ा को रसूल अल्ला वसम की एक और बशारत है कि जिसका ज़िक्र हुआ जल नंबर तीन सही मुस्लिम में और आपके सामने इस वक्त जो तर्जुमा है वो मौलाना सिद्दीकी कांदेलवी साहब का है और इसका सफ़ा नंबर है 47 और 48 एट किताब अमारा इमारा और हदीस नंबर है 87 सेवेन इनकी तरतीब के हिसाब से अब यहाँ पर मौजू यह है कि कि़ैफर रजी अल्लाह तहुँ बयान करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह हम बुराई में थे फिर अल्लाह ताला ने भलाई दी अब इसके बाद भी कुछ बुराई है आपने फरमाया हाँ मैंने अर्ज़ किया फिर इसके बाद भी भलाई है आपने फरमाया हाँ मैंने अर्ज़ किया फिर इसके बाद भी बुराई है आपने फरमाया हाँ मैंने अर्ज़ किया कैसे आपने फरमाया मेरे बाद वो लोग हाकिम होंगे जो मेरी राह पर ना चलेंगे और मेरी सुन्नत पर अमल न करेंगे और इन में ऐसे लोग होंगे जिनके दिल शैतान के से शैतान के से और बदन आदमियों जैसे होंगे मैंने अर्ज़ किया या रसूल अलैहि वसल्लम अगर मैं ऐसे ज़माने को पालूं तो क्या करूं आपने फरमाया हाकिम की बात सुन और इसकी इतात और फरमाबरदारी कर अगरचे वो तेरी कमर तोड़ दे और तेरा सब माल छीन ले फिर भी तू इसकी बात सुने और इसकी फरमाबरदारी किए जा ये वो रवायत है कि जिसे उमूमन हमारे बरदरान सुन्नत के केमा फासिक और फाजर और जानी और शराबी बादशाहों की इतात के लिए इसको मिस करते हैं जबकि यहाँ पर कोई मतलक़न क़ानून बयान नहीं हो रहा कि फासिकों और फाजरों और ालमों की इतात की जाए बल्कि जनाब हज़ैफ़ा से इर्शाद फरमाया जा रहा है कि तुम उस वक्त अपनी जान को बचाना और उनकी बात को मानना लेकिन यहाँ पर इतात उस माना में नहीं है कि उनके ग़लत कामों को अंजाम देना बल्कि यहाँ पर वो वाली कैफियत है कि जो असहाब कहफ़ की है दरबार में यानी एक तकै वाली कैफियत। तो याद रखें कि तकैया और मुनाफ़त दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोज़िट हैं वन एट डिग्री का फ़र्क़ है मुनाफ़त में कुफ़र को छुपाया जाता है और इस्लाम को नुकसान पहुँचाने के लिए इस्लाम को ज़ाहिर किया जाता है और तकै में ईमान को छुपाया जाता है और जान को बचाने के लिए कुफर को ज़ाहिर किया जाता है जैसे कि असाबिकफ अपने आप को काफिर जाहिर करते थे लेकिन अंदर से मोमिन थे तो जनाब हजैफ़ा को भी हुक्म था कि अपनी जान को बचाओ और खामोश रहो अब आगे भी रिवायतें आएंगी कि उनकी जान को ख़तरा था अब आपके सामने अरबी का मतन सही मुस्लिम का कुल तो यह अरसुल्ल इन्ना बेच रन फनाफ़ी है वरा فهل من وراء هذا الخير شر قال نعم قلت هل وراء ذلك الخير وذلك الشر خير قال نعم قلت هل وراء ذلك الخير شر قال نعم قلت كيف قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدايا ولا يستنون بالسنة وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جسمان إنس قال قلت كيف اسمع يا رسول الله إن أدركت ذلك قال تسمع وتطيع للأمير وَعِنْ ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأتع اب هنا پر یہ, اگر یہ قانون तो फिर तो यहाँ पर सवाल करना चाहिए कि मौला मौलान मोमिन तो कतन आदिल थे नफ्स रसूल थे तो उनकी इतात तो ना हज़रत आयशा ने फरमाई ना माविया ने फरमाई बस इस रवायत को मिसयूज़ किया जाता है खसूस इस व सऊदी साथ अरब और अरब इलाक़ों में और जहाँ पर भी बादशाहत होती है हाकिमों को सपोर्ट करने के लिए अब अगर इस रवायत को इसी माने में लिया जाए और इतात के माने में लिया जाए तो फिर तो पाकिस्तान या दीगर ममालिक में जहाँ पर भी हाकम हैं उन्हें उनकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए और उनकी इतात करनी चाहिए अब जो ज़माना था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब सही बुखारी की एक रिवायत है जल नंबर आठ सफ़ा नंबर थ्री सिक्सटी वन और ये तर्जुमा है मौलाना मोहम्मद दाऊद रास साहब का और हदीस नंबर है सेवन वन वन थ्री आप फरमाते हैं हज़ैफ़ा बिन यमान ने बयान किया कि आज कल के मुनाफिक नबी करीम अलैहि वसलम के जमाने के मुनाफिकीन से बदतर हैं इस वक्त छुपाते थे और आज इसका खुल्लम खुल्ला इजहार करते हैं अगली रिवायत सेवन वन वन फोर तो यहाँ पर इशात फरमाते हैं हुजैफर रजील्हों ने बयान किया कि नबी करीम सल्ह वसलम के ज़माने में निफाफ था आज तो ईमान के बाद इख्तियार करना है यानी ये उस ज़माने की हालत हो चुकी थी कि नफाख़ भी खुल के हो रहा था और याद रहें कि रसूल सल्लम नेलम् इस्लाम में नफाक को पहचानने का जो मयार करार दिया है वो है हब्ब अली इबिन अबी तालसलाम और ये हम देख सकते हैं बहुत वाजे कि उस ज़माने में मौला अमीराम और बाकी अहिल बैतून सलातम पर म हुआ कि बिलाशक़ पूरे ख़ानदान रसालत को कत्ल कर दिया गया तो समझा जा सकता है कि नफ़ा कितने रूज पर था और अब यहाँ पर डिस्कस करें कि जितने भी असहाब थे इस मौजू को डिस्कस करने की ज़रूरत क्यों पेश आई ये क्या अहमियत है हज़रत हुज़ैफ़ा की तो याद रखें कि रसूल अल्ला वसलम नबानशी मौला अमिरल साम को मदीने में बना के छोड़ के आए थे और अपने साथ घाटी में ले कर चले फ़क्त हज़रत अम्मार को और हज़रतफ़ा को तो अब ये जहन में रखें अकली क़ानून के हिसाब से और हज़रत हुजैफा के भी इल्म के मुताबिक और जो असाब की रविश थी उसके मुताबिक क्या क़ानून था वो ये कि अब जो तीस हज़ार की फौज है तो ये मौला अमीरुल मोमिनीन जनाब हुजैफ़ा और जनाब अम्मार के अलावा जितने अफराद हैं इस फौज में यानी जो तबूक में गए ये सब के सब मशकूक हो जाएंगे अब ये भी नहीं किया जा सकता कि इन बारह तेरह या चौदह या पंद्रह और उन लोगों वजह से कि जिन पर रसूल ने लानत भेजी और जो आपकी हुक्म उदूली करते हुए पहले पहुंच के पानी को पी गए इनको छोड़ने के लिए सबको छोड़ दिया जाए ये भी सही नहीं है उन सब के दामन को थामने के लिए इन मुनाफिकों के दामन को थाम लिया जाए तो ये भी सही नहीं है तो क्या किया जाए तो अब मुमकिन है कोई कहे कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाम बता देने चाहिए थे तो वो अगर नाम बताते दस के बीस के पचास के सौ के हज़ार के दस हज़ार के और लिस्टें बना के दे भी देते तो आज ये डिस्कशन होता कि कौन से लिस्ट सही है किस किताब में सही है इसमें ये हैं उसमें वो हैं तो करें तो क्या करें लिहाजा आपने अपने अब को क्लियर करने के लिए कि इनमें से कौन मुनाफिक है कौन मुनाफिक नहीं है और तमाम मुसलमानों को उस दौर में और आने वाले दौर में और आज से लेकर क़्यामत तक के लिए एक टेस्ट दिया कि इसके जरिए से पहचाना जाएगा कि कौन मोमिन है और कौन मुनाफिक है और वो चीज है कि जिसके जरिए से टेस्ट किया जाएगा मोहब्बत और मवद्दत अहले बैत की और खसूस मौल सलाम की लिहाजा आपने इरशाद फरमाया या हब्ब का वाल वज का मुनाफिक लिहाजा रसूल अल्ला वसल्लम को ज़रूरत नहीं थी कि उन अफ़ाद का नाम लेके उनको ही महदूद कर दिया जाए और बाद में अख्तलाफ हो कि आलम इस्लाम में इनके अलावा कोई मुनाफ़ नहीं है नहीं आलम इस्लाम में बहुत मुनाफ़ थे और हैं और अलामत यह है कि जो भी मौलानी से बहुत रखे वह मुनाफ़ है अब बहुत दिल की चीज़ है अगर कोई गाली दे लानतें भेजे और खसूस मम्बरों से लानतें भिजवाए और फिर जंगें करे तो वो तो बिला शक मुनाफिक हैं उनके नफाक़ में तो शक करना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुकमली और उनकी उनके कौल की मुखालफत करना है सुन अभी दाऊद आपके सामने है और इसके जिल नंबर चार सफ़ा नंबर टू फाइव सेवन और हदीस नंबर है फोर टू फोर थ्री सैदना हुजैफ़ा बिन यमान ने बयान किया अल्लाह की कसम मैं नहीं जानता कि मेरे साथी हकीकता भूल गए हैं या भूले हुए बने हुए है। कि यहां हैं यहाँ पर आप फ़रमाते हैं कलाजैफ़त असहाबी, अम यमानदरी यानी मेरे साथी वाकन भूल गए हैं या भूले हुए बन रहे हैं अल्लाह की कसम दुनिया ख़त्म होने तक आने वाले फितनों के कायदीन जिनके साथ तीन सौ या इससे ज्यादा लोग होंगे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को नहीं छोड़ा है आपने इनके नाम इनके बापों के नाम और इनके कबीलों तक के नाम बता दिए हैं याद रखें कि ये चीज़ सिर्फ़ जनाब हज़रतजैफ़ा को नहीं बताई और बाज़ अब को भी बताई थी और उन्हीं के बारे में हज़रतफ़ा बिन यमान शिकवा फरमा रहे हैं कि ये जो मेरे साथी हैं ये वाक़न भूल गए हैं या भूले हुए बन रहे हैं बस मालूम हुआ कि उस ज़माने में कुछ लोग थे कि जो फितनागर थे मुनाफिक थे उनके उनके नामों को छुपा रहे थे कुछ असाब और हज़रत नाराज़ हो रहे थे और ये लोग सादे लोग नहीं थे इनके साथ साथ कम से कम तीन तीन सौ अफ़राद या उससे ज़्यादा अफराद थे बस मालूम हुआ कि ये राज फ़क़त हज़रत हुज़ैफ़ा यमान के पास नहीं था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अल्ला सल्लम ने कुछ और को भी बताया था लेकिन कुछ लोग छुपा गए और क्योंकि अहल बैत के तरफ़दारों की किल्लत हो गई थी और जिस तरह से हज़रत मालिक अबिन नवैरा को कत्ल कर दिया गया था जिस तरह से हज़रत अम्मार को कत्ल कर दिया बाद में जिस तरह से जनाब अबूज़र को जिला वतन कर दिया गया था तो ये चीज़ें साथ थीं ये सामने थी असाब के लिहाजा जान का ख़तरा था अब अगर ये जो अगली रवायतें आ रही हैं जनाब हज़रतफ़ा की जान के खतरे के बारे में और उनकी बात को ना सुनने के बारे में तो इस रवायत अबोदाऊ से पता चल गया कि असाब में से बाज़ ऐसे थे कि जिनको पता था और जनाब हज़रतफ़ा उस वक्त एतराज़ फरमा रहे हैं कि ये लोग क्यों नहीं सोचते और क्या ये भूल गए हैं इसके माना हैं कुछ अफरा उस ज़माने में ऐसे थे कि जिनके नाम लेना मुश्किल था और वह पावर में आ चुके थे और उनके पास कम से कम तीन सौ अफराद या इससे ज़्यादा थे और फरमाते हैं कि रसूल अलैहि वसल्लम ने हर गुरु के किसी न किसी एक कायद और रैबर और लीडर का क़यामत तक के लिए बता दिया था कि कौन क्या होगा कौन से कबीले का होगा किस कस्म का फितना करेगा अब आपके सामने है कंजुलुमाल की जल्द नंबर सात तो पहले आपके सामने उर्दू का तर्जुमा बयान कर देते हैं और यहाँ पर मौजू यह है कि हज़रत गुफ्तु फरमा रहे हैं कि अगर मैं कुछ बताऊँ तो तुम में से सब के सब मेरी बात को नहीं मानोगे मुझे झुटला दोगे और यहाँ पर महावरतान कह रहे हैं कि तुम तुम तीनों में से तीनों झुटला दोगे ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि हमारी क्लास में अगर 20 बच्चे हों और वो हमसे कहें कोई अच्छी डाइट आप बताएं हमें ये पता है कि ये लोग खाने के आशिक हैं और ये अपने मुँह पर कंट्रोल नहीं रख सकते तो हम कहेंगे महावरतन अगर वो बीस हैं तो हम कह सकते हैं कि तुम पांच को भी अगर बताऊं तो पांच में से पांच भी मेरी बात नहीं मानोगे और महावरतन ये भी कह सकते हैं कि तुम हजार को अगर बताऊं तो हजार में से एक भी नहीं मानेगा और महावरतन ये भी कह सकते हैं तुमको अगर बताऊं सौ को तो सौ में से कोई भी मेरी बात नहीं मानेगा तो ये एक जुमला होता है महावरतान कि तुम सब के सब मेरी बात को नहीं मानोगे तो कंजुलमार के उर्दू तर्जुमे में सफ़ा नंबर नम्ब, जल नंबर तेरह और सफ़ा नंबर एक सौ साठ और हदीस नंबर है थ्री सिक्स नाइन सिक्स एट एजन अबू बख्तरी की रवायत है हज़रत हज़ैफ़ा रजील ने फरमाया अगर मैं तुम्हें एक हदीस सुनाई तुम्हारे तीन लोग मेरी तकजीब करेंगे एक नौजवान इन्हें देख कर खड़ा हुआ और कहा जब हम में से तीन लोग तुम्हारी तकजीब कर देंगे फिर तुम्हारी तुम्हारी तकजीब कर देंगे तो फिर तुम्हारी तसदीक कौन करेगा हुज़ैफ़ा रजी अल्लाह तहों ने फ़रमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रजी अल्लाह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खैर और भलाई के मुतक सवाल करते थे और मैं शर और बुराई के मुतल सवाल करता था हुज़ैफ़ा रजी अल्लाह अल्ला से पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करते थे फरमाया चूँकि जो शख्स शर और बुराई का अतराफ़ करता है वो भलाई पर आ सकता है तो यहाँ पे मालूम हुआ कि हज़रत हुज़ैफ़ा उस तमाम इज़्ज़त और वक़ार के बाद एक ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे थे और ये उनकी ज़िंदगी चली है छत्तीस हिजरी अट्ठाईस मुहर्रम तक यानी जनाब स्स्मान के कत्ल के चालीस तकरीबन दिन तक आप ज़िंदा रहे और उससे पहले ही बीमार हो चुके थे यहाँ पर एक डिस्कशन है कि शायद उन्हें भी जहर दे दिया गया था लेकिन इसे हम डिस्कस नहीं करते ये एक अहतमाल की सूरत में है अब अगर कभी मौका मिला तो, तो तफसील से डिस्कस करेंगे इसका अरबी मतन कंजुलमाल का जो आपके सामने है जल नंबर तेरह और सफ़ा नंबर है थ्री फ़ोर नाइन और हदीस नंबर है थ्री सिक्स नाइन सिक्स एट एन अन अबी बख्तरी अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो तुम में से तीन तुम तीन में से तीन मुझे झुठला दोगे फन إليه شعب فقال من يصدقك إذ كذبك ثلاثة أثلاثكم أثلاثنا فقال إن أصحاب إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كانوا يسألون عن رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر فقيل له ما هملك على ذلك فقال إنه من اعترف بالشر وقع في الخير अब दूसरी रिवायत के जिसमें आपके जान के ख़तरे का ज़िक्र हैज़रत हज़ैफा अल्लाह ताला तह यह है थ्री सिक्स नाइन सिक्स नाइन और माल जिल्द तेरा और सफ़ा नंबर एक सौ साठ हज़रत हुज़ैफ़ा रजो अल्लाह तहो कहते हैं कि अगर मैं किसी नहर के कनारे हूँ अब आप तस्वुर करें कि अगर मैं किसी नहर के कनारे हूँ यानि वह बैठे हैं किसी नहर के कनारे वो मिसाल दे रहे हैं और चुल्लू भर पानी लेने के लिए हाथ बढ़ाऊं यानी नहर के किनारे हैं और चुल्लू भर पानी लेने के लिए इस तरह से नहर की जानब हाथ बढ़ाऊं इस दौरान मैं तुम्हें बता सकता हूं कि मैं क्या जानता हूं क्या जानते थे हज़रत हुज़ैफ़ा जो सबसे मशहूर चीज़ें आलम इस्लाम में कि जो मुनाफ़ीन को पहचानते थे तो फरमाते हैं कि मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि क्या जानते हो क्या जानता हूँ कितनी देर में इतनी देर में कि मैं नहर की जानब हाथ बढ़ाऊँ अपना चुल्लू बढ़ाऊँ यहाँ पर मिसाल ये नहीं है कि कहा जाए कि नाम तो अगर पचास हैं तो कैसे आप लेते या दस हैं तो एक सेकेंड में कैसे लेते यहाँ पर मुराद ये है महावरतन जैसे कि पुरानी मजीद में भी आया कलम हिल बसर हुआ अकरब पलक छपकने के बराबर या इससे भी कम तो यहाँ पर उन्होंने फरमाया कि नहर के किनारे अगर मैं बैठा हूँ यानी ये नहीं कि नहर जो है वो एक मील दूर है मैं अगर नहर के किनारे बैठा हूँ और चुल्लू बनाकर नहर की जानेब हाथ बढ़ाऊँ तो इस दौरान तो मैं बता सकता हूँ कि कौन कौन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना चाहते थे फिर आपके सामने पढ़ते हैं हज़रत ज़ैफ़र रजी अल्लाह तहो कहते हैं अगर मैं किसी नहर के किनारे हूँ और चुल्लु भर पानी लेने के लिए हाथ बढ़ाऊँ इस दौरान मैं तो मैं बता सकता हूँ कि मैं क्या जानता हूँ अगली चीज़ ज़्यादा अहमियत की हामिल है और जब तक मेरा हाथ मेरे मुंह तक पहुँचे हती के मुझे कत्ल कर दिया जाएगा आप फरमाते हैं कि अपना हाथ मैं नहर तक ले जाऊँ तो मैं बता सकता हूँ कि जो मैं जानता हूँ क्या जानता हूँ यानी मुनाफिकों के नाम लेकिन जैसे ही मेरा हाथ ये मेरे मुंह तक आएगा तो मुझे कत्ल कर दिया जाएगा यानी आपको इतना खौफ था कि आप फरमाते थे कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा अगर मैंने कुछ नाम ले दिए और कितनी जल्दी कत्ल कर दिया जाएगा मैं इतनी जल्दी नाम लूँगा और इतनी जल्दी मुझे कत्ल कर दिया जाएगा अब उमाल में जिल नंबर तेरह जो अरबी मतन आपके सामने है थ्री सिक्स नाइन सिक्स नाइन अन हज़ईला लवकुन तो अला शायत नहर वक़ मदत तो यदि फुम बेकलमत यदी फ़मी हती इससे पहले कि मेरा घूट मेरे ये चुल्लू मेरे मुँह तक आए मुझे कत्ल कर दिया जाएगा हतीअला ये रिवायात कसरत से कुतुबहर सुन्नत में नक़ल हुई इसका दूसरा हवाला आपके सामने बयान कर देते हैं और वो है कमाल तहजीबालकमाल फसमा रजाल जिल नंबर पाँच में आपके ये सामने मौजूद है और इसको हमने हाईलाइट कर दिया है तो यहाँ से ये बात वाज हो गई कि हज़रत हुजैफा को जो कुछ मालूम था उन्हें तो ख़ास तौर पर मालूम था क्योंकि वो वहाँ पर थे हज़रत अमार को भी मालूम था क्योंकि वो वहाँ पर थे लेकिन इनके अलावा भी अब को इल्म था कि कौन कौन वहाँ पर थे और क्या क्या कर रहे थे बिल्कुल इसी तरह से और हजरात भी थे असाब थे जो इन लोगों को पहचानते थे मिसाल के तौर पर जनाब हज़रत अबू तुफैल के जो खातम असहब हैं जिस तरह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुल अंबिया हैं वो ख़ातमुल अब हैं लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि इन ख़ातमुल ख़ातम को कि जो सबसे आखिरी सहाबी हैं जिनको अल्लाह व तआला ने तवीर उम्र अता फ़रमाई इनको को भी कहा गया गाली भी कहा गया और ये कहा गया कि यह मुफरत शिया थे यानी कट्टर शिया थे तो नतीजा यह हुआ कि इनको फिर आ, काफिर भी कहा जाएगा तो सही मुस्लिम की रिवायत आपके सामने है जिल नंबर छ और तर्जुमा है अलामा वहीदमान साहब का और सफा नंबर थ्री फोर्टी नाइन और थ्री फोर्टी है और हदीस नंबर है 7037 ज़ीरो थ्री सेवन अबू तुफैल से रिवायत है कि अकबा के लोगों में से एक शख्स और हुजैफ़ा के दरमियान कुछ झगड़ा था जैसा लोगों में होता है अब याद रखें कि जनाब हज़रत अबू तुफेल ख़ुद में से फरमा रहे हैं कि हज़रत हुजैफ़ा और अकबा के लोगों में से इसका मतलब है अकबा के लोगों को वो भी पहचानते थे अब ये झगड़ा था ये शख्स कौन है तो एक अलग नशे में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये आदमी कौन है और ये क्या चाहता था पूछना और दर हकीकत यही वो अफरा थे कि जो पूछते थे और अगर ये कहीं कह देते तो हज़रत हुजैफा की जान को ख़तरा भी होता तो अबू तुफैल से रिवायत है कि अकबा के लोगों में से एक शख्स और हुजैफा के दरमियान कुछ झगड़ा था जैसे लोगों में होता है तो ये कोई आम कस्म का झगड़ा नहीं था ये वही था कि मुनाफिकों का कहीं वो नाम तो नहीं ले देते वो बोला मैं तुमको ख़ुदा की कसम देता हूँ असाब अकबा कितने थे यानी वो शख्स कहने लगा कि मुझे बताओ कि अब अकबा कितने थे लोगों ने हुजैफा से कहा जब वो पूछता है तो बता दो इसके माना ये हुए कि और लोग भी जानते थे कि ये आदमी असाब अकबा में से है और ये पूछ रहा है कि अकबा वाले कितने थे तो बता दो इसको उन्होंने कहा अब ये किसने कहा तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जनाब हुजैफ़ा ने कहा जबकि ये शख्स कह रहा है उन्होंने कहा हमको ख़बर दी जाती थी रसूल अल्लाह से कि वो तेरा वो तेरे सिवा चौदह आदमी हैं तो यहाँ पे तो जुमला हज़रत हुजैफ़ा की जानिब से है लेकिन दीगर रिवायत में एक अलग सूरत में है जो इनशा तफसील से अलग डिस्कश डिस्कस किया जाएगा तो यहाँ पर हज़रत की जानब से है ये जुमला उन्होंने कहा हमको ख़बर दी जाती थी कि रसूल अल्लाह हमको खबर दी जाती थी रसूल अल्लाह से कि वो तेरे सिवा चौदह आदमी हैं अगर तू भी इन में से है तो वो पंद्रह हैं और मैं कसमिया कहता हूँ इनमें से बारह तो खुदा और रसूल के दुनिया और आखरत में दुश्मन हैं और बाकी तीनों ने ये उज़र किया जब इनसे पूछा गया और मलामत की गई कि हमने तो रसूल अल्लाह के मनादी की के अकबा के रास्ते नाओ की आवाज़ भी नहीं सुनी और ना इस कौम के इरादे की हम खबर रखते थे और इस वक्त पैगंबर खुदा संगस्तान में थे फिर चले और फरमाया कि अगले पड़ाव में थोड़ा पानी है तो जो मुझसे पहले तो मुझसे पहले कोई आदमी पानी पर ना जावे जब आप वहाँ तशरीफ़ ले गए तो कुछ मुनाफ़ वहाँ पहुँच चुके थे आपने इन पर इस दिन लानत फरमाई तो मालूम हुआ कि इनको और अफराद भी जानते हैं और हजरत हुजैफा न फकत ये कि वो जानते थे कुछ और लोग भी जानते थे लेकिन क्योंकि हज़रत हुजैफा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे तो वो टारगेट बने हुए थे उनकी जान को खौफ था और वो खुद इजहार फरमा चुके कि अगर मैं बताऊं तो मैं कत्ल कर दिया जाऊंगा ज़ाहिर उनके सामने बहुत वाज मिसाल थी जनाब हज़रत मालिक अबिन नवैरा की किस तरह से उन्हें कत्ल किया गया सर को काट के किस तरह से ईंटों के तौर पर इस्तेमाल करके उस पर खाना पका के खाया लोगों ने उनकी जोजा की हरमत को पामाल किया गया तो हज़रत हज़ीफ़ा के लिए भी ज़ाहिर इन मौजूद को डिस्कस करना बहुत मुश्किल था खुदाबंदा से दुआ है कि हम सब को इलमी गुफ्तु की तोफ़ी अतः फरमाएँ गाली गलो शोर शराबे से सबको बचने की तोफ़ी अतः फरमाएँ और इन मौजूद को डिस्कस करने का असल हदफ़ यही है किमूम इन मौजूद को लेकर हम पर हमला किया जाता है झूठी दास्तानें बनाई जाती हैं और शहादत रसूल वसलम से रिलेट इन मौजुआत को हम बयान कर रहे हैं ताकि कभी अगर इन मौजूद को कोई और शिया आलिम या जाकिर बयान कर दे तो कोई शोर न किया जाए जो कुछ यहाँ पर बयान हुआ वो सब मोतबर कुतुब अहल सुन्नत से और आ, उनके उल्मा की किताबों से नकल हुआ इस वक्त जो नकल हुआ सब कुतुब अहदीस और तारीख ही से नकल हुआ इन शाला आगे गुफ्तु होगी खुदावंदबारक ताली से दुआ है कि हम सबको अपनी अपने रसूल अपनी हजतों की मार्फत अदा फ़रमाएँ और इताद की तोफ़ी ख़त फरमाएँ तमाम अदियन और मज़ाहब का एहतराम करें वल्ह महमदम ताहरीन